मुंबई से मनोज धोत्रे की रिपोर्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार ने राज ठाकरे से मांगी माफ़। प्रख्यात टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले किरदार चंपक चाचा ने मराठी और हिंदी भाषा को लेकर हुए विवाद को सुलझाते हुए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में चंपक चाचा का किरदार करने वाले अमित भट्ट ने अपने माफीनामे में लिखा है कि शूटिंग के दौरान मुंबई की मातृभाषा को हिंदी बताना सही नहीं था, पर लेखक द्वारा बनाए स्क्रिप्ट में उन्हें ऐसा बोलने के लिए डायलॉग दिया गया था, जिसका उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी है। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई की मातृभाषा मराठी है, ना कि हिंदी। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा साल 2008 से लगातार टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। इस पारिवारिक कॉमेडी शो को बच्चों से लेकर बूढ़े और जवान सभी वर्गों में खासी लोकप्रियता हासिल हो गई है। ये शो गुजराती लेखक तारक मेहता द्वारा लिखी गई किताब पर आधारित है। पिछले एपिसोड में कलाकारों के बीच मातृभाषा को लेकर जंग छिड़ गई थी, जिसके बाद चंपक चाचा ने लोगों को समझाते हुए सभी के मातृभाषा को सम्मान देने का ज्ञान दिया था। इसी बीच मुंबई की मातृभाषा को हिंदी बताए जाने को लेकर मन से कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। बाद में कांदिवली से कलाकार चंपक चाचा यानी अमित भट्ट ने लेखक से हुई गलती पर माफी मांगकर माहौल को शांत किया।